पुराने पुराने फरमाने नामे पर जो कुछ बयान हुआ वो सब का सब अहमियत का हमें वो सारा का सारा बनी नौए इंसान की फौज व बला उसकी कामयाबी और कामरानी का जामे जामे लेकिन बास हिदायत बास तालीमात बास अहकामात बास दीगर अहकामात की नस्बत बास दीगर तालीमात की नस्बत ज्यादा अहम होते हैं ज्यादा और असर होते हैं या ज्यादा लायक तवज्जो होते हैं तो फरमाया अल्लाह आगा होगा इतना औलिया अल्लाह बेशक अल्लाह के जो वली वली जो औलिया होना औलिया वली जमा और वली वली दोस्त को कहते हैं तो जो अल्लाह के दोस्त दोस्त रब्बे सब जलाल जब अल्लाह के नाम दोस्त दोस्त फरमाया है ला खौफ वाले उन पर कोई खौफ नहीं वला हम सहन और ना ही वो गमगीन होगी अल्लाही का नाम जिन पर ना तो कोई खौफ है और जो ना कभी गमगीन होंगे वो कौन लोग उनकी पहचान क्या फरमाया अल्लाही का नाम वो लोग जो ईमान लाए जो साहिबाने ईमान जो साहिब ईमान नहीं वो वली नहीं हो सकता अगर लोगी के एतबार से वली कहा जाए तो वो वली शैतान इसलिए कि कुरान मजीद और कुरान करीम में इरशाद हुआ इन शयातीन यहूदून इला औलियाइहिम इन शयातीन बेशक शयातीन यहूदून इला औलियाइहिम अपने औलिया की तरफ बातों का इंकार करते हैं अपने औलिया के दिलों में कुछ बातें डालते हैं वसवसे डालते हैं उन्हें गुमराह करने के लिए राह रास्त बहकाने के लिए तो यहां पर माया गया कि औलिया अल्लाह अल्लाह के वली अल्लाह का वली वो है जो मोमिन जो ईमान वाला जिसके अकायद दुरुस्त हो जिसके नजरियात दुरुस्त हो जिसके अफकार दुरुस्त हो महज दावा ईमानी काफी नहीं कुरान मजीद में इरशाद हुआ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لوگ تو ویسے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں یہ زمانہ رسالت کی بات حضور قدوس سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی بات اس وقت کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں رب سب جلال نے فرمایا ان کا دعویٰ یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے لیکن رب فرماتا وما وما وہ مومن نہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں انہیں مومن کہلانے کا ایمان والے کہلانے کا استحقاق نہیں تو یہاں فرمایا الذین آمنوا جو ایمان والے یعنی جو نفاق سے مبرہ و منزہ جن کے ہاں نفاق کی کوئی صفت نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ان کا ظاہر کچھ ہے اور ان کا باطن کچھ ہے وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہے زبان سے کہہ کیا کیا دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ کو سبحان اللہ دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ کو نہیں اگلی طور پر دلی طور پر مومن ہونا ایمان کے لیے لازم چنانچہ سورہ حجرات میں ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن اسلموا جہاد کے آنے والے حضرات نے کہا
कि हम ईमानदार रब के सत्यलाल ने फरमाया है माफ़ फरमा दीजिए हर किस को ईमान नहीं लाए वाला के कुल्लू अस्लमा ये कहो कि हमने गर्दने झुका दी हमने इस्लाम की शान और शौकत के सामने हथियार डाल दिए वलम फाजा अभी तक ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ जब तक ईमान दिलों में दाखिल ना हो जाए रूप में राशिद ना हो जाए तब तक कोई मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं आज तक मुसलमान तो हैं लेकिन मोमिन उनके अंदर साहिबान ईमान की अंदर कुरान मजीद और कुरान करीम में रब के सज्जनात जब तक जो